हेलो एवरीवन, वेलकम टू 5 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मिनट ट्रिक्स में SI एंड CI के ट्रिक्स। ओके, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रिक है। और ये किस टॉपिक पे है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में खूब ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस इतना है या फिर इतने की ब्याज से दिया जा रहा है, तो सिंपल और कंपाउंड के बीच में इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं क्या है। जब समय 2 वर्ष का हो, यानी कि व्हेन टाइम इज 2 ईयर्स, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में आर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। क्या करते हैं, आर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। यहाँ पे पी क्या है, तो पी है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और आर क्या है, तो आर है रेट यानी कि दर। ठीक है, ब्याज की दर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 20,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसे, आपसे पूछा है अंतर यानी कि डी की वैल्यू पूछी है। मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 20,000, तो मूलधन को लिख लेना है। तो मूलधन दिया हुआ है 20,000, गुणे करना है किससे, आर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो आर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5/100 का स्क्वायर करना है। तो यानी कि 5/100 को 2 बार आपको लिख लेना है। 2 बार इसको लिख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लेना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5×25 और 2 कितना हो जाएगा, तो 50। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 50 रुपये, यानी कि 20,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो है वो है 50 रुपये। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अंतर कितना है, तो अंतर है 50 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड अब आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़िए। किसी धन का 20% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 120 रुपये हो, तो आपको मूलधन बताना है। इस वाले में अंतर दे दिया गया है, अंतर कितना दिया है, तो अंतर दिया हुआ है 120 रुपये। आपको निकालना है मूलधन यानी कि पी की वैल्यू, और दर कितनी है, तो दर है 20। तो यानी कि क्या करना है, 20/100 को 2 बार लिखना है। तो 20/100 × 20/100 कर लेना है, 0 से 0 आपको कैंसिल कर लेना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे 0 बचा 100, ये इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इसका डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए P इज इक्वल्स टू आ जाएगा 120 × 100, यहाँ पे ये 100 बचा है, तो इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 2 × 2 कर लिया। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 30 times में जाएगा। 4×3 = 12, तो 30 times में गया। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 3,000, और यही क्या हो गया, तो ये हो गया मूलधन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो किसी धन का यानी कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या था, 120 रुपये था, तो मूलधन बताना था। मूलधन कितना आ गया, 3,000 रुपये आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब समय 3 वर्ष का दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, डी इज इक्वल्स टू यानी कि डिफरेंस बराबर हो जाएगा पी ब्रैकेट में आर बाई 100 का स्क्वायर। ये जो 2 वर्ष के लिए होता था इतना वही सेम रहेगा, आपको एक्स्ट्रा क्या 3 वर्ष के लिए ऐड करना है, तो 3 वर्ष के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा 300 + R/100, 300 + R/100। यहाँ तक क्लियर हो गया। आर क्या है, यहाँ पे आर रेट है यानी कि दर है, पी क्या है, पी प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन, और डी है डिफरेंस यानी कि अंतर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अब देखिए हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्लियर है। ओके, तो हमें निकालना है डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होगा, पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू है इसमें 15,000, गुणे करना है आपको 10% का, तो 10/100 का स्क्वायर करना है, यानी कि 10/100 को 2 बार लिख लेना है, 10/100 गुणे में 10/100, और फिर क्या गुणा करना है, ये तो 2 वर्ष के लिए भी होता था तो इतना सेम रहेगा, और एक्स्ट्रा क्या 3 वर्ष के लिए ऐड हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा 300 + R/100। आर की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 300 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा, 100 कर लेना है। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 1, 2, 1, 2, फिर यहाँ पे है 1, 2, 1 और 2 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 1, 2 और 1, 2। ठीक है, तो सारे 0 कैंसिल हो गया, क्या क्या बच गया, 15×31, तो 15×31 में आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 465 रुपीज़, और यही इसका क्या आ जाएगा, तो यही इसका आ जाएगा डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 465 रुपये आया। किसका आया, 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो अंतर है 465 रुपये। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को।
तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। थैंक यू सो मच।